आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं बीएसएफ की आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इस पेज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अगर आप लोग को इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, चाहे आप यहाँ पे आके वेबसाइट पे आर्टिकल को सब कुछ पढ़ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे आपको लेके जाना है अपने माउस पॉइंटर को, उसके बाद रिक्रूटमेंट ओपनिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ये फॉर्म अपने मोबाइल से भी आप घर बैठे फिलअप कर सकते हैं, चाहे किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज डिस्प्ले होगा, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिखाया जाएगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ क्लोज पे क्लिक कर लीजिए। ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेगा होम एंड रिक्रूटमेंट का, यहाँ से भी क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन प्रकार की पोस्टें जारी की गई हैं, जिसकी लिंक जो है वो अपडेट हो चुका है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई हियर का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सेकेंड और थर्ड जो भी है आपकी पोस्ट, सेम प्रोसेस सभी आप पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट ये मिलेगा क्वालिफिकेशन के बारे में। व्यू मोर के बटन पे क्लिक करके आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन बताई गई हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई हियर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर देखेंगे कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। दसवीं के सर्टिफिकेट पे जिस प्रकार से नाम लिखा रहेगा वही नाम इस बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने मोबाइल नंबर को लिखना है, यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी को लिखना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा इनके द्वारा। ये ओटीपी के जो लिमिट टाइम है वो 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर आपको ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो ओटीपी है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा से ओटीपी प्राप्त कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी वो लिखना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज डिस्प्ले होगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, इसको आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे फिर से आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक बटन मिलेगा अप्लाई हियर का, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस समय आप लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको अपने मेल आईडी में जाना है, वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप फिर से लॉगिन हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल्स देनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कोई भी आपको यहाँ पे एक आईडी को सेलेक्ट करना है, उस आईडी की जो सीरियल नंबर है इस बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपकी जो आयु है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कितने साल के आप हो चुके हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है, अगर आप नेपाल के हैं तो नेपाली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपने फादर नेम लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके, वो आपको यहाँ पे बताना है, लिखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी शादी हो चुकी है कि शादी नहीं हुई है या आप विधवा है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने रिलीजन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ओबीसी सर्टिफिकेट की डिटेल्स को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपको अपने सर्टिफिकेट की जो लिमिट है वो आपको लिखना है, वैलिड डेट लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर लिखनी है। यहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट की स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की जो जिला है उसे आप सिलेक्ट करेंगे।
सर्टिफिकेट किसके द्वारा ऑथोराइज की गई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, उसके बाद सर्टिफिकेट आपका कब प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट करना है। क्या आप भारतीय सैनिक है भूतपूर्व, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नो के बटन पे क्लिक कर लेना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही अगला पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे सबमिट करना है, जिसमें आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सबमिट करनी है परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको ट्रिक मार्क कर लेनी है। जैसे आप ट्रिक मार्क करेंगे, जो भी आप एड्रेस ऊपर लिखे रहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अगला डिटेल्स आएगा, जिसपे आपको अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एनसीसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है कि नहीं, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो के बटन पे सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे अपने हाइट को लिख देंगे। आप यहाँ पे इंच सेमी में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने चेस्ट को लिखना है, सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही चेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वजन को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपका क्रिमिनल केसेस कोई चल रहा है, पेंडिंग है, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सभी चीज़ बतानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले एसएससी यानी कि 10th के सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट की जो संख्या आपको सीरियल नंबर लिखनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर आपको लिखनी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको लिखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट की पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि आपका यह सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है कि आप ये क्वालिफिकेशन किस बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा ऐड का, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपकी जो 10th की क्वालिफिकेशन है वो नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक रूल की तरह ऑप्शंस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है कि सारी ऑप्शंस ही गलत है तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने अपने 10वीं के क्वालिफिकेशन डिटेल्स को सबमिट किया है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास जितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स चेक करने के लिए मैंने बताया है कि नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला डिटेल्स आएगा, जहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे बढ़ता है कि नहीं, अगर नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नहीं मांगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये फॉर्म सबमिट होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा कि आपको पोस्ट अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सेव करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। फोटो, यहाँ पे अपलोड फोटो के बटन पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद 10वीं की सर्टिफिकेट, उसके बाद 12वीं की सर्टिफिकेट। देखिए जितना भी आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे उन सभी का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पे नोट्स में मेंशन की गई है, फोटो की साइज जो होनी चाहिए 30 से 100 के भी होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 से 50 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और कास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपकी 30 से 100 के भी की होनी चाहिए। फॉर्मेट जो आपकी मांगी गई है, JPG फॉर्मेट और PNG और PDF फॉर्मेट, ये सभी आपकी फॉर्मेट मांगी गई हैं अपलोड करने के लिए। सो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम अपलोड करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगला पेज डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आपको अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कई सारी पोस्ट मिल जाएगी, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एकेडमी क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना है।
एंड यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर के एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे यस कर लेना है। यहाँ पे ये साबित हो गया कि आपको एक्सपीरियंस देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपने सबमिट किया है, उससे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको अपने फिर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे रहेगा क्वालिफिकेशन का और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस का। यहाँ पे जो आपकी साइज है उसके लिए आपको इसमें देख लेना है कि कितनी साइज मांगी गई है। 30 से 100 केबी की साइज होनी चाहिए। जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए जो मैं फॉर्म है वो SC ST के लिए सबमिट कर रहा हूँ। SC यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है कैटेगरी को। अगर आप लोग जनरल OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या आप EX सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे कोई आवेदन फ़ी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ये केयर करिएगा कि फ़ी आपको यहाँ पे पेमेंट करना है 100 रुपीज़ जनरल OBC के लिए। अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन फ़ी नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको OBC सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहां पे SC को सेलेक्ट करके इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वीडियो देख लीजिएगा कैसे आप लोग जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप कैसे फी पेमेंट करेंगे। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई आवेदन फ़ी नहीं पेमेंट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने प्रीवियस की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऐसा डिस्प्ले किया जाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अग्री एंड पे के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, थैंक यू, एंड नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली बैक टू होम। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा। अपने आवेदन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक लोगो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और आपके आवेदन फॉर्म की जो सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फॉर्म सबमिटेड यहाँ पे स्टेटस बताया जा रहा है। आवेदन फ़ी एक्सपेंडेड यानी कि आपकी छूट है इसमें, और सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको अपने आवेदन फॉर्म में मिल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा प्रिंट का, इस पर क्लिक करके आप चाहे इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप इसे सेव कर सकते हैं। सो कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने की वीडियो यही है। अगर आप लोग नहीं समझ में आता है कोई भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस की सभी वैकेंसियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अच्छी तरीके से। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।